Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. आप लोग सतोलॉजी के चैनल को जुड़िए, हमारे पेट्रोन के मेंबर्स बनिए. सब हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है रिट्रीट्स का, और उसमें भी आप ज्वाइन करिए. पहला रिट्रीट हो रहा है महादेव की स्थली मेक्सिको में उष्माल, और वो महादेव के मंत्रों से हम लोग जाके सेलिब्रेट करेंगे. फर्स्ट रिट्रीट ऑफ सतोलॉजी विल बी प्लान्ड. आप लोग जो सुन रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू ज्वाइन इन द US, यू आर वेलकम टू ज्वाइन. यू विल हैव अमेजिंग एक्सपीरियंस. और तो आज के शो में हम लोग वापस नंबर्स पे आने वाले हैं, डीबंकिंग द प्लानिंग, और उसका जो टाइटल जो है एक्सपोजिंग द गेम ऑफ नंबर्स एंड द मिथ ऑफ प्लानिंग, एंगस एडिसन पे पार्ट टू ऑफ द इकोनॉमिक, जो आपने फर्स्ट देखा इकोनॉमिक मॉडल्स वाला, इसका भी पार्ट टू है. विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी. नमस्ते एंड वेलकम टू द शो. नमस्कार. तो आज एंगस मेडिसन का करना है खुलासा. हाँ. जी. तो एक जी. इतना उसको कोट किया जाता है भारत में एंगस मेडिसन को, और उसी के नंबर्स पे लोग लेक्चर्स देते हैं कि देखो एंगस मेडिसन को सुनो वो क्या बता रहा है, लेकिन ये नहीं कोई बताता है उसने पूरा क्या लिखा हुआ है. सो बहुत बहुत गड़बड़ है उसके अपने शब्दों को कोट कर. So let's begin actually. ध्यान आ रहा है इकोनॉमिक्स वाले सीरीज का ये चौथा है. पहला ये था आइडिया ऑफ प्रोग्रेस शायद. हाँ. उसके बाद कुछ एक और था, उसके बाद ये इकोनॉमिक मॉडल और प्लानिंग था, तीन, और चौथा ये है एंगस मेडिसन वाला. और इसके बाद एक और है सॉल्यूशंस वाला. हाँ. तो अगर आप कहेंगे तो फिर इकोनॉमिक्स वाले सीरीज को भी बीच बीच में कुछ कुछ लेते रहा करें. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि जब इनकी गड़बड़ी एक्सपोज होगी तो समझ में आएगा कि हमारे रास्ते कितने सही है और कितने टाइम टेस्टेड है. देश काल बाधित हमारे रास्ते नहीं है. नहीं, एक्चुअली आज एक्चुअली द फैमिली यूनिट को इतना डिस्ट्रॉय किया गया है थ्रू द अब्राहमिक माइंडसेट, और अभी जो कोर्ट सिस्टम है वो सारा फैमिली के अंदर घुस चुका है. तो अर्थशास्त्र तो कोई बचा ही नहीं है. अर्थशास्त्र का तो बेसिस ही फैमिली है, मदर एंड फादर और बच्चे, दैट इज द बिगेस्ट स्मॉलेस्ट इकोनॉमिक यूनिट. लेकिन वो तो अभी हट ही गया है पूरा, एंड वी सी द उसका डिस्ट्रक्शन, द सिंगल मदर्स, सिंगल फादर्स, एंड देन मल्टीपल रिलेशनशिप्स, और उसके बाद इकोनॉमी तो बैठ जाता है. फिर दोस फैमिलीज कैन नेवर रिकवर. कोई एक तो स्टेबल होना चाहिए, अगर दोनों अनस्टेबल है तो क्या होगा. एंड ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल इज सो इम्पोर्टेंट. वो ग्रैंड पेरेंट्स ही बाहर चले गए हैं, एंड यू नो द ग्रैंड पेरेंट्स का रोल इज वेरी इम्पोर्टेंट. लास्ट वीडियो में एक में विवाह निकाह और मैरिज पर बात करें. मैंने आपका शो सुना है एक बार, एक जगह आपने बोला है उसपे. आपके लिए और अलग ढंग से बताती हूँ. Yes, yes, yes. Let's begin with Angus medicine. जी, तो मेरे हाथ में Angus medicine की ये पुस्तक है, The World Economy Volume 1, Volume 2 दोनों इसमें है. ये 2001 में छपी थी. ये किसी एक ऑथर की किताब नहीं है. खास बात ये है, ये OECD का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. इनके सारे नाम फर्जी और छलावा वाले होते हैं. ये कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये है एक्सप्लॉयटेशन और डिस्ट्रक्शन के लिए. एक्सप्लॉयटेशन और डिस्ट्रक्शन अन्यों का, और डेवलपमेंट किसका, कोऑपरेशन किसका, ये जो नन्हा सा यूरोप है इसके नन्हे नन्हे से यूनिट है उनका है. तो जो हम लोगों ने बात की थी इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक मॉडल्स की, कि भाई प्लानिंग और मॉडल के लिए आपके पास डाटा तो होना चाहिए. डाटा तो दूर की बात है, ये इकोनॉमिक पूरे सिनेरियो में क्या क्या वेरिएबल्स काम करते हैं उन वेरिएबल्स का नाम तो पता होना चाहिए, जानकारी तो होना चाहिए
कितना यूनिट कहाँ काम कर रहा वगैरह वगैरह वगैरह, ये डाटा ही नहीं है तो आप कहाँ क्या एडजस्ट करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, ये क्या है, सब कंजेक्चर और एस्टीमेट। तो अब हम बात को शुरू कर रहे हैं सीधे सीधे एंगस मेडिसन के साथ। तो अभी हम ज्यादा डाटा वाले मामले पर हैं, इसकी बाकी चीजों को बाद में देखेंगे। तो पहली बात है, ये अपने फॉरवर्ड इसका लिख रहा है ओईसीडी का सेक्रेटरी जनरल डोनाल्ड जॉनसन। तो ये जो पूरा डाटा प्लानिंग और मॉडल का जो इतना ट्रम्पेटिंग किया है यूरोप वालों ने, उनको तो पता ही है ना कि उन्होंने कोई मॉडल बिल्डिंग नहीं किया है, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए डाटा उनके पास उपलब्ध नहीं है। आप कहिएगा तो इसके लिए हम अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन, ब्रिटिश इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह कभी पुराना कहीं पड़ा होगा मेरा, ढूंढ ढांड के निकाल के सुनाएंगे। उनको पता है, उसके बावजूद वो ट्रम्पेटिंग करते हैं। क्यों, मैं पढ़ रही हूँ इसके जो फॉरवर्ड लिखा है ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल, बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, ये जो पब्लिकेशन है, एंड इट्स ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच कैसे होगा भाई, तुम पहुंचाओगे, आई एम श्योर इट विल फाइंड अ ग्लोबल रीडरशिप एज एन अथॉरिटेटिव रेफरेंस फॉर academics, स्टूडेंट्स, professionals एंड जनरल readers। ये ट्रम्पेटिंग इसलिए है कि मेरी ट्रम्पेटिंग पर तुम भरोसा करोगे तो हमारे इस एक्सप्लॉयटेशन के इंस्ट्रूमेंट को तुम रेडिली स्वीकार कर लो। तो क्या कह रहा है, इट्स वैल्यू, पता है, अभी अंदर पढ़ के सुनाएंगे। ये कह रहा है गेस्टिमेट है, कंजेक्चर है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, खुद कह रहा है। लेकिन फॉरवर्ड पढ़ेगा कौन, शायद कोई ब्यूरोक्रेट, नहीं तो वो तो उठाएगा, जी इसको लागू करो, इसके आंकड़ों को लागू करो, देखो कितने मोटे मोटे आंकड़े और सीरीज है, मेथोडोलॉजी को कोई नहीं पढ़ेगा। तो फिर अब हम आते हैं इसके प्रीफेस पर। प्रीफेस में कहता है प्रेसिडेंट ओईसीडी डेवलपमेंट सेंटर का, अप्रैल 2001, द डेवलपमेंट सेंटर इज प्री ऑक्यूपाइड विद द प्लेस ऑफ गवर्नेंस इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आवर रिसर्च एफर्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हेल्पिंग कंट्रीज to find ways of reforming governance systems at every level of society. This is also a constant theme in this book, that this is a vital issue confronting developing societies today. मैंने बीच में कुछ कुछ छोड़ा भी, ये खतरनाक है हमारे लिए, उनके लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए ये मैनिपुलेशन, जो शुद्ध फर्जीवाड़ा है उसको एक साइंटिफिक, वस्तुतः तो ये साइंस शब्द भी फर्जीवाड़ा है फिलहाल, उसको एक साइंटिफिक मॉडल की तरह, फुल प्रूफ प्लानिंग मॉडल की तरह प्रेजेंट कर। तो क्या कहता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पुराना फेल कर गया है, अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तुम रोज नया मॉडल कर रहे हो, रोज नया प्लानिंग कर रहे हो और वो सब फेल कर जा रहा है, तो अब तुमको चाहिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसमें आवर रिसर्च एफर्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हेल्पिंग कंट्रीज, कौन से कंट्रीज, जिनको एक्सप्लॉइट करता है, टू फाइंड वेज ऑफ रिफॉर्मिंग गवर्नेंस सिस्टम, केवल सोसाइटी के लेवल पे नहीं, गवर्नमेंट जो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है उसको गवर्नेंस ही बदलना है एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी। इस पर आगे बात करेंगे, अभी मोटी बात। अब आई, अब मूल पुस्तक शुरू हो जाती है एंगस मेडिसन।
इंट्रोडक्शन और समरी, इसके पेज दो पर हम आ रहे हैं जो वस्तुतः पेज एक है, क्योंकि देखिए इतना नीचे से ये शुरू हुआ है और जहां मेरे ये दोनों पिन लगे हैं अगले उस पेज से मैं पढ़ने जा रही हूँ, यानी पहले ही पेज पर वो क्या कह रहा है। इन द पास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च इन इकोनॉमिक हिस्ट्री हैज बीन हेवीली कंसंट्रेटेड ऑन द 19th एंड 20th सेंचुरीज व्हेन ग्रोथ वाज फास्टेस्ट। अच्छा दो लाइन और पढ़ लूं फिर इसका मतलब बता दें। टू गो बैक अर्लियर इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वीकर एविडेंस, डाटा नहीं कह रहा, वीकर एविडेंस, ग्रेटर रिलायंस ऑन क्लूज एंड कंजेक्चर, नेवरदलेस इट इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल एंड नेसेसरी एक्सरसाइज बिकॉज डिफरेंसेस इन द पेस एंड पैटर्न ऑफ चेंज इन मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी हैव डीप रूट्स इन द पास्ट। अब इसको देखिए, साफ कह रहा है इन द पास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च इन इकोनॉमिक हिस्ट्री 19वीं 20वीं शताब्दी तक केंद्रित है। पास्ट क्या भाई, मैंने 1757 1760 कह दिया था एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस को, मेरे मुंह से निकल गया, बार बार निकला था वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशंस, वो एक बड़ी अच्छी किताब है, मेरी प्रिय पुस्तक है, तो वही मेरे मुंह में आ जा रहा था। तो 1757 नहीं इसमें दिया हुआ है 1776, अब आयु हो गई है थोड़ा भूल जाती। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी, आगे मैं दिखाऊंगी, डाटा नहीं है, जो है वो शुद्ध फर्जीवाड़ा है। जहां तक मुझे ध्यान है मैंने एक बार शायद पॉल बैरक को या किसको कोट करके बताया था, या हो सका तो आज याद आ गया तो पुस्तक से मैं फिर बता दूंगी, ये सारा मामला 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में शुरू हुआ है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इकोनॉमिस्ट है वो शायद अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा, पॉल बैरक नहीं है, दूसरा अभी नाम याद आ जाएगा। ये 19th सेंचुरी कब तक हुआ, 1899 में 19वीं समाप्त हो जा रहा है। मैंने उसका पूरा पिछले भाषण में बताया था कि 1870 लेट 19th में तो जर्मनी नाम का देश बन रहा है भाई, इटली नाम का देश बन रहा है, देश ही कहाँ है यूरोप में जिनके आंकड़े होंगे 19th सेंचुरी में। कोई स्टेट मशीनरी होगी जो डाटा कीपिंग करेगी ना, तो ये भी ये झूठ बोल रहा है। 19th एंड 20th जो मामला है 20th में है और मोटा मोटी 20वीं शताब्दी में है। फर्स्ट हाफ में तो तुम लड़ मर के खत्म हो रहे हो, तुम्हारे लाखों लाखों, और ये लाख कहां, मिलियंस, करोड़ को टच कर रहा है, लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मिलियंस की नेशनैलिटी रोज बदल रही है, जो बदल रही है वो शरणार्थी के रूप में घूम रहे हैं, और नेशंस की बाउंड्री बदल रही है पूरा 1914 से 1945 तक। तो डाटा कहाँ है भाई, वार टर्न इकोनॉमी है, डाटा केवल बात का है, लेकिन फिर भी कह रहा है। चलो फिर इसका आप क्यों कह रहे हैं, पहला वाक्य झूठा है, दूसरा वाक्य तो एडमिशन है। टू गो बैक अर्लियर यानी तुम्हारी 18वीं, तुम्हारी 17वीं, 16वीं, 15वीं, तुम्हारा मॉडर्न पीरियड। टू गो बैक अर्लियर इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वीकर एविडेंस, वीकर डाटा नहीं कह रहा है, वीकर एविडेंस, और एविडेंस भी ग्रेटर रिलायंस ऑन क्लूज एंड कंजेक्चर्स। ये लाइन भाई लोगों ने पढ़ा नहीं, एंगस मेडिसन को कोट करने वालों ने पहला पेज नहीं पढ़ा, पहला पेज सेल्फ एडमिशन है। ठीक, आगे नेवरदलेस
इट इज मीनिंगफुल यूजफुल एंड नेसेसरी. क्यों? तुमको बेवकूफ बनाने के लिए. किस बारे में? हम रोबस्ट हैं, हम मजबूत हैं, हम डेवलप्ड हैं, हम ये हैं, हम वो है, और तुम तो देखो क्या 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 क्या. इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा दो चार चीज बता दें, जो GNP GDP वगैरह वगैरह. कोई एक टेबल पर बैठ के या 150 टेबल पर बैठ के आज के दिन 2024 में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई पंचायत वाला, कोई कमिश्नर लेवल वाला, कोई गांव के पटवारी लेवल वाला एस्टीमेट करता है ये यहाँ कितना, इस साल गेहूं कितना हुआ होगा, इस साल बरसात हो गया तो कितना बिगड़ा होगा, फसल जल गई, रोग लग गया तो कितना हुआ होगा, सब एस्टीमेट करते हैं. और एस्टीमेट का टोटल, और एस्टीमेट करने के बाद वॉल्यूम में तो देते नहीं है, क्वांटिटी में, उसका मनी वैल्यू में देते हैं. तो गेहूं का मनी वैल्यू कौन सा? सारा गेहूं का मनी वैल्यू जो थोक में बिक रहा है मंडी में वो वाला, कि जो रिटेल में बिक रहा है वो वाला. अपना तुम रिटेल वाला दोगे, हमारा तुम थोक वाला लोगे. इसी तरह मैं भाषण दे रही हूँ, मैं भाषण देने का एक रुपया चार्ज नहीं करती. सत्तोलॉजी चैनल चला रहे हैं आदित्य जी, चैनल चलाने में उनका इतना अधिक समय लग रहा है, उसका वो एक रुपया चार्ज नहीं कर रहे हैं. तो ये GDP GNP में नहीं जुड़ रहा है. और एक अमेरिकन प्रेसिडेंट या इसी तरह के लोग एक भाषण देने का चार्ज कर रहे हैं 2 लाख रुपया, तो वो GDP GNP में जुड़ जा रहा है. $4 लाख तो वो GDP GNP में जुड़ जा रहा है. तो मेरा भाषण $4 लाख हुआ, और ऑर्गेनाइज करने का $1 लाख हुआ. प्रेसिडेंट के भाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा भाषण है. तो ये $6 लाख जो रोज हो रहा है ये नहीं जुड़ रहा. इसी प्रकार हमारे यहाँ दुनिया भर की भागवत कथाएं हो रही हैं, एक एक भागवत कथा में 1-1 करोड़ रुपया खर्च हो जा रहा है. मनी का रुपया तो खर्च होगा ही ना, तो उसका 1 रुपया GDP GNP में नहीं जा रहा है. तुम्हारे यहाँ यूक्रेन में सब तबाह हो रहा है, तो मलबा हटाना भी चार्ज होगा, दोबारा बनाना भी चार्ज होगा, हथियार बनाना भी चार्ज होगा, हथियार तोड़ना भी चार्ज. जैसे अभी मैं कल सड़क से आ रही थी तो किसी ने कहा बीच में कोई एक कॉरिडोर बनाया सड़क के जिस पर की बस चलेगी, फिर वो 10-1 साल में लगा गड़बड़ है, उसको तोड़ फोड़ रहे हैं. तो एक बच्चे ने बताया कि 350 करोड़ लगा बनाने में, 150 करोड़ लगेगा तोड़ने में, ये डाल दिया कहां GNP GDP डाल दिया ना. तो 500 करोड़ जो शुद्ध बर्बादी है, जो डिडक्ट होना चाहिए, वो ऐड हो गया. ठीक है, ऐसे ही भारत में जो स्त्रियां हैं, जो हमारे वृद्ध हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा पूरा का पूरा धर्म क्षेत्र है, उसका कंट्रीब्यूशन तेरे प्रेसिडेंट के भाषण से 1000 गुना एक एक आदमी का अधिक है. तेरे प्रेसिडेंट का भाषण कई आदमी सुनते होंगे ऑफलाइन, 1000, 2000, 5000, 10000 तो मुझे नहीं लगता है प्रेसिडेंट के भाषण की कैपेसिटी होगी. हॉल में बोलते होंगे 1000, 1500, 2000 की कैपेसिटी. हमारे यहाँ तो छुटका गांव वाला जो कथा होता है तो उसमें 10,000 लोग खाना खा लेते हैं एक दिन में. तो कथा को सुना तो 1,00,000 लोगों ने. और अभी हमारे घर के बगल में प्रदीप मिश्रा जी हैं, उबरेश्वर धाम है उनका. 3 दिन का शिवरात्रि पर जब होता है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगना पड़ता है सड़क साफ करने के लिए. 5 लाख 7 लाख लोग 3 दिन, उनका भोजन, उनकी सारी व्यवस्था, उसको डॉलर में कैलकुलेट करो तुम. एंड प्रदीप मिश्रा जी, आई कैन से 1 among 1 lakh, ऐसे मिनिमम 1 लाख लोग होंगे. तो ये आप हमारे GDP GNP में नहीं डालते. आज की तारीख में ये डाल दो जी, आज की तारीख में हम तुमसे कई गुना बड़े हैं आज की. आज तो ये GDP GNP क्या है, ये क्वांटिफिकेशन नहीं है,
ये क्वांटिटी का मॉनेटरीफिकेशन है और सारा फर्जीवाड़ा इसी में है। जैसे मैं बगीचा बनाती हूं, मैं जिस लेवल का बगीचा बनाती हूँ आदित्य जी ने भी देखा है और पता नहीं कितने दोस्तों का बना देती हूँ, उसका अगर प्रोफेशनली चार्ज करूं तो क्या दाम आएगा? क्या कहते हैं ना, लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग। हाँ, तो लैंडस्केपिंग का क्या चार्ज होता है? आई एम डूइंग इट फ्री, लेकिन मेरी इकोनॉमी पूरी तरह एनरिच हो रही है, चाहे तुम उसको जोड़ो या मत जोड़ो। जो आपका गार्डन है ना, जो आपने अपने घर पे बाहर गार्डन बनाया है, उसके लिए अमेरिका में लोग चार्ज करते हैं $12,000। उसमें पेड़ पौधों का अलग कर दीजिए उसको, उस जैसे जो आपने बनाया है उसके का सिर्फ बनाने के लिए जमीन का कॉस्ट अलग, सब बाकी सब अलग। 50 तो फल के पेड़ फल दे रहे हैं, 100 पेड़ कम से कम और हैं, और फूल पत्ती तो गिनती में। तो ये जो जीडीपी जीएनपी का खेल है, भारत आज दुनिया का लार्जेस्ट है। केवल मोदी जी एक काम करवा ले, ये जो मैं बोल रही हूँ उस पर गणित कर ले, मोदी जी नहीं करेंगे तो हम लोग इसको सप्तोलॉजी पर कर देंगे। अब आइए, अब आगे वो कह रहा है पेज 21 पर एक केवल लाइन, द फुल पोटेंशियल ऑफ द अमेरिकाज बिगैन टू बी रियलाइज्ड इन द 19th सेंचुरी विद मैसिव यूरोपियन इमिग्रेशन एंड द वेस्टर्न मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन फ्रंटियर मेड पॉसिबल बाय रेलवे। तो पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, मैं पढ़ते ही रुक गई। तीन चार खास चीजें हैं। क्या खास चीज है? क्या कह रहा है कि जो दोनों अमेरिका है, इसका प्रोडक्टिव फैसिलिटी पोटेंशियलिटी हार्वेस्ट हुआ, काम में आया 19th सेंचुरी में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मैसिव इमिग्रेशन फ्रॉम यूरोप। यूरोप से मैसिव इमिग्रेशन क्यों हो रहा है? यूरोप में खाने को नहीं है। यूरोप का जो सबसे मालिक है इंग्लैंड, उसके लंदन के जेल ओवरफ्लो कर रहे हैं, जैसे दूध उफन के गिर रहा है। और जेल कैसे हैं, इस पर यूरोप सीरीज में मैं एक भाषण करूं। और उसको अर्बन क्राइम कह रहे हैं। अर्बन क्राइम में 40-50% क्राइम है ब्रेड का लोफ चुराना। यानी 19th सेंचुरी में पूरा यूरोप भूखमरी से पीड़ित है, यूरोप भाग के जा रहा है, खाने को मिल जाएगा। रिलीजियस परसिक्यूशन से पीड़ित है, भाग के जाएंगे शायद जी लेंगे। और 19th सेंचुरी में अटलांटिक क्रॉस करना खेल नहीं है, इस पर भी कहिएगा तो एक एपिसोड कर देंगे, या दुनिया भर के एपिसोड अमेरिकन चैनल्स पर होंगे। 19th सेंचुरी अटलांटिक क्रॉसिंग कैसी भयंकर स्थिति है, जहाजों की कितना डूब रहा है, कितना पहुंच रहा है, कितना जीवित बच रहे हैं, कितना मर रहे हैं, इसके बावजूद लोग जा रहे हैं। यानी एब्जेक्ट पॉवर्टी इन इंग्लैंड, इन फ्रांस, जर्मनी तो भी ताजा ताजा बन रहा है, इन स्पेन एंड पोर्चुगल। ये कौन है? ये वेस्ट यूरोप है, अटलांटिक कोस्ट है। ऐसे एब्जेक्ट पॉवर्टी वालों में लिटरेसी रेट क्या था भाई? डाटा करने के लिए मैथमेटिक्स गणित तो आना पड़ेगा। गणित के जानकार कै प्राणी थे तुम्हारे इंग्लैंड के लंदन में? सब डाटा है, सारी किताबें हैं, बहुत सी मेरे पास है। तो पढ़ने के लिए ये दृष्टि होनी चाहिए। मैं तुरंत इसलिए क्यों रुक गई, क्योंकि मुझे 19th सेंचुरी यूरोप और इंग्लैंड मैंने ठीक से पढ़ा है, तो क्वांटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ रुक गई। बाकी लोगों ने पढ़ा नहीं तो बाकी के इंप्रेशन क्या आएगा? 19th सेंचुरी पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े ट्रेडर्स जा रहे हैं, फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, कैपिटल जा रहा है, सब मनमानी हवा में, फैंटेसी में बात सुनेंगे। अब सुनिए आगे,
वही पेज 21, और ये जो पेज 21 है ये मूल पुस्तक के शुरू होने का तीसरा पेज है। ये कह रहा है इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस, 15वीं शताब्दी की बात है। पहले मैं पढ़ दूं फिर पूरा बता दूं। इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग अकाउंटेंसी फॉरेन एक्सचेंज एंड क्रेडिट मार्केट्स। फिर क्या कह रहा है, क्रिएशन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटेंट डिप्लोमेटिक सर्विस। अब जो मेयर मैंने क्या अंडरलाइन किया, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन से ये नवाचार हो रहा है। कहां पर? यूरोप में। नहीं, वेनिस में। वेनिस कहां है? मेडिटेरियन सी के में एक डॉट है वेनिस। कब? 15वीं शताब्दी में। आगे पीछे की लाइन में दिया है 15वीं शताब्दी में वेनिस की पॉपुलेशन कितनी रही होगी? नॉट इवन 50,000। जोड़ लीजिएगा, मेरी समझ से 20-25,000 रही होगी। आप हिसाब जोड़ लीजिएगा, मैं तो 50,000 बोल रही हूँ फिर भी बढ़ाकर। तो पूरा यूरोप में नहीं, यूरोप में मेडिटेरियन सी को छूने वाले वेनिस में डॉट में नवाचार हो रहा है। ये नवाचार इंग्लैंड में पहुंचने में 17वीं-18वीं शताब्दी लगेगा। काहे में? डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग की शुरुआत हो रही है। अकाउंटेंसी, गणित करने की, अकाउंट रखने की, जमा खर्च करने की, डेबिट क्रेडिट करने की नवाचार हो रहा है, शुरुआत हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज की, अभी अभी फॉरेन करेंसी आई है वेनिस के मार्फत यूरोप में। क्रेडिट मार्केट, ये जिसको हम लोग हुंडी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं आजकल, ड्राफ्ट बनाना और क्या क्या है, चेक वेक, ये उसका बच्चा, उसके पूर्वज। क्रिएशन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस और क्रिएशन ऑफ ए कॉम्पिटेंट डिप्लोमेटिक सर्विस। पहली बार पूरे यूरोप से नहीं, वेनिस क्या है, डॉट है, नगर भी नहीं, हमारा तो गांव है, वहां भी गांव है। नगर की जो परिभाषा है वे 15वीं शताब्दी वेनिस पर नहीं लागू होता है। गूगल पर जाकर 15वीं शताब्दी वेनिस ढूंढिएगा, गांव भी नहीं मिलेगा। तो ये नवाचार हो रहा है 15वीं शताब्दी में। और एंगस मेडिसन आगे आंकड़ों को शुरू करेगा 15वीं शताब्दी में, और बीच में कई जगह कहता है कि 0 से 1000 AD तो हालत बहुत खराब है यूरोप, इतना तो कहता है, कितनी खराब है ये नहीं कहता है, लेकिन 0-1000 AD में एक घटना घटती है और ये होने लगता है। वो घटना कहाँ घटती है? वेनिस में। 1000 AD में तो शायद 10,000 आदमी नहीं रहे होंगे वेनिस में, या वेनिस नगर बना भी था तब तक कि नहीं बना था, क्योंकि ये तो पूरा दलदली इलाका है। यहाँ तो पता नहीं किस कारण से, हमको पढ़े थे याद नहीं है, भाग भाग के लोग आके इस दलदली इलाके में छिप के घुसे थे कि यहाँ पर मारने काटने वाले नहीं आ पाए। ये है वेनिस। तो अब चूंकि मुझे यूरोप की बहुत जानकारी थी, ऐसे 50 लाइन पर मैं अटकी हूँ, लेकिन आज चूंकि मैं नंबर गेम पर बात कर रही हूं इसलिए वही लाइन पढ़ रही हूं। फिर कह रहा है वेनेशियन सेम पेज 21, वेनेशियन कॉन्टैक्ट्स विद एशिया वर इवेंचुअली ब्लॉक्ड बाय द फॉल ऑफ बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन का फॉल कौन है? 1400 कुछ है, 15वीं शताब्दी में वेनिस महोदय का कॉन्टेक्ट एशिया से बंद हो गया। तो ट्रेडिंग कहाँ है वेनिस महोदय की? वेनिस महोदय की ट्रेडिंग एशिया से है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब कौन है? एशिया है। एक जगह लिखा है कि एशिया 2/3 GDP GNP दे रहा है। 1000 और 1500 AD में एशिया माने यूरेशिया माने जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप माने भारत,
अब तुम्हारे लिखने से कि भारत पर मियां लोग का आक्रमण हुआ और मियां लोगों से भारत हार गया, ये लिखने से तो नहीं काम चलेगा। भारत की राजनैतिक सीमाएं बतानी पड़ेंगी, जो विदेशी हमलावर हैं उनके देश का नाम, उनके राजा रानी का नाम, उनके सेना की संख्या, उनकी राजधानी, उनके सेना का साइज, उनके सेना की कैपेसिटी बतानी पड़ेगी। 15वीं शताब्दी में भारत के अलावा देश कहाँ है भाई आक्रमण करने वाले? इस पर हम लोग अलग से 3-4 भाषण कर देंगे अगर कहेंगे भारत कभी पराधीन। तो अब मैं और बता रही हूं, अब आइए पेज 25 पर। पेज पर 25 पर कह रहा है, फ्रॉम द ईयर 1000 AD टू 1820, यानी 19th सेंचुरी आ गया, फर्स्ट क्वार्टर बीत गया, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी वर मच स्लोअर देन दे हैव बीन सिंस। 1820 तक टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी 19th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर तक सेल्फ एडमिशन है, बहुत धीरे धीरे था। आगे बताएगा कि 20वीं शताब्दी में जनसंख्या दर, मॉर्टेलिटी रेट कम हो गई। क्यों? क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर की जगह इन लोगों ने चाय, बियर और वाइन पीना शुरू कर। लोग पढ़ के बोलेंगे, अच्छा पानी गंदा नहीं था तो चाय, बियर और शराब पीने लग गए, स्वाभाविक है, बहुत धनी देश है। अब हम लोगों ने पढ़ा और आपके चैनल पर बोला है ना, टट्टी, पेशाब, बलगम, सड़ी हुई बिल्ली, सड़ा हुआ घोड़ा, सड़ा हुआ कुत्ता, राम जाने क्या क्या सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, 20वीं शताब्दी में, लेट 19th में कंटेमिनेटेड वाटर की जगह चाय पीने लग गए। और कुसुम लता ने क्या देखा, कंटेमिनेटेड वाटर साफ नहीं हो पाया, तब तुम चाय और बियर पे शिफ्ट किए। तुम्हारे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट का तो हवा निकल गया जी। अरे पानी साफ करने के लिए छान लेते, कोयला बालू से छान लेते, फिटकरी घुमा देते, इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में नहीं था तुम्हारे पास, जबकि तुम हमारे संपर्क में थे। हमारे संपर्क में होकर ये जानकारी रखने के बाद भी वो जानकार लोग इंग्लैंड यूरोप में इसको क्यों इंट्रोड्यूस करते? क्यों? ये जो मासेज हैं, ये जो आम आदमी है, ये जो जन है, पीपल है, ये तो है ही है कॉकरोच और चूहा, मरता नहीं है, मारो, मारते मारते इनकी लाश दबाने का झंझट है। लाशों की कहानी पार्शली मैंने सुनाया है। तो इन चूहे बिल्लियों को पानी साफ करने की जगह भेजो यहाँ से बाहर, कहाँ, इंग्लैंड, सॉरी यूएसए जहाँ आप रहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत जगह, ये तीन का मेन नाम ले रहे हैं। अब थोड़ा सा एक केवल इसका और आंकड़ा मैं पढ़, 2-4-5 और पढ़ूंगी। अब ये कहता है पेज संख्या 46, जीडीपी पर कैपिटा, इसका एक पैराग्राफ पढ़ूंगी फिर व्याख्या कर दूंगी। लॉन्ग टर्म एस्टिमेट्स ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी आर वेरी रीसेंट, 2001 में छपी हुई किताब है, कहता 19th सेंचुरी से है, कहता 20वीं शताब्दी से है, कहता पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, कहता मार्शल प्लान है, ये नहीं कह रहा है, नो डेट। लॉन्ग टर्म एस्टिमेट्स ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी आर वेरी रीसेंट। फिर कहता है मेडिसन, ये यंगस मेडिसन 1995 अपनी एक किताब का संदर्भ दे रहा है, कंटेन्ड डिटेल्ड
एस्टीमेट्स, डिटेल्ड डाटा नहीं, डिटेल्ड एस्टीमेट्स। 1995 में मेडिसन महोदय ने अपनी एक पुस्तक में बड़े विस्तार से अंदाजे बयां किया है फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर 1820 ऑनवर्ड्स विद अ वेरी क्रूड प्रोविजनल असेसमेंट। असेसमेंट वो भी क्रूड, वो भी प्रोविजनल। ये इनकी इकोनॉमिक्स है एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी। दोबारा पढ़ रही हूँ। मेडिसन कंटेन डिटेल्ड एस्टीमेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर 1820 ऑनवर्ड्स विद अ वेरी क्रूड प्रोविजनल असेसमेंट फॉर 1500 टू 1820। कुसुम लता कह रही है, तूने झूठ का एक पिक्चर खींचा जिसको तू संभाल संभाल के कह रहा है क्रूड प्रोविजनल असेसमेंट। डाटा कहने का हिम्मत ये भी नहीं कर रहा है। और भारत के गधे और दुनिया भर के गधे, इनको गधे के अलावा कुछ नहीं कहूंगी मैं। इलिटरेट्स यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, प्लानिंग कमीशन में बैठे हैं। नेता को तुम गधा कहते हो, नेता तुमसे बहुत अकलमंद है। तुम इस लाइन को बिना पढ़े इसके इस डाटा को प्रमाण की तरह प्रस्तुत करते हो। आगे सुनिए। हियर आई हैव मेड अ मच मोर केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द एविडेंस फॉर सेंचुरीज बिफोर 1820। 1820 के पहले का एविडेंस का डाटा नहीं है। And incorporated the results of medicine in 1998 on Chinese economic performance over 2 millennia. 2000 साल से ज्यादा का Chinese गणित कर दिया। अरे नालायक, तेरे को French नहीं आता होगा, German नहीं, Italian नहीं, और Europe में बस 10-20 भाषा है, वो नहीं आता होगा, वहां आंकड़े नहीं थे। तू चीन जाके 2000 साल का आंकड़ा अगर लिखा हुआ भी होता तो तेरे को मिलता नहीं। और चाइना पर जितना भयंकर इन लोगों ने जियोपॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा किया है एंगस मेडिसन सहित, उस पर मैं 2-3 अलग भाषण दूं। एनीवे, देयर इज सेल्फ एडमिशन, देयर इज स्टिल अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ कंजेक्चर। इस सेल्फ एडमिशन के बाद आप अपने व्यापार में उस आदमी को फायर कर देंगे कि उसको प्लानिंग में रखेंगे जिसका ये सेल्फ एडमिशन होगा। देयर इज स्टिल अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ कंजेक्चर बट अपेंडिक्सेस ए एंड बी प्रेजेंट माय एविडेंस एंड अजम्पशंस एट एज ट्रांसपेरेंटली एज पॉसिबल। यानी अपेंडिक्स ए और बी में जो मैंने दिया है वो डाटा बेस्ड नहीं है, सर्वे बेस्ड नहीं है, कोई सरकारी गैर सरकारी मेरे को फाइलें मिली है ऐसा नहीं है। क्या है? प्रेजेंट माई एविडेंस, एविडेंस के आगे फिर कह रहा है assumptions, as transparently as possible, self admission, भाई जितना हो सकता, जो नहीं हो सकता उसका हम क्या करें, शेष डार्क है। सो दैट क्रिटिकल रीडर्स कैन, क्रिटिकल रीडर कुसुमलता कैन इजिली मॉडिफाई एडजस्ट और ऑगमेंट माई रिजल्ट्स वेयर दे फाइंड देम ओपन टू क्वेश्चन। ले भाई, ऐसे के बाद ऐसे को फायर किया जाएगा कि हायर किया जाएगा। जितना संभव है मैंने दे दिया, क्रिटिकल रीडर देख के काट दे, छांट दे, रिवाइज कर दे, रिजेक्ट कर दे। अब ये हम सब छोड़ रहे हैं, समय हो गया है 40 मिनट, थोड़ा सा और बता। हाँ, अब ये बात कर रहा है, ये पूरा पैराग्राफ 4 लाइन का है, मैं पढ़ रही हूँ।
वन में आस्क व्हाट इज न्यू इन दीज फाइंडिंग्स, वो कुछ कुछ लिख रहा है. इन द फर्स्ट प्लेस देयर इज द क्वांटिफिकेशन. अरे उल्लू तो अभी एक पेज पहले कह रहा है गेस्टिमेट है, कंजक्चर है, क्या है, एस्टिमेट है, एजम्पशन है, आंकड़ा नहीं, अंदाज, अंदाजे बया है. यहां तू कह रहा है क्वांटिफिकेशन. ये चर्च का, यूरोपियन अनपढ़ों का, जिनके पास विद्या की कोई परंपरा नहीं है, दे कैन राइट दिस वे, नॉट मी एंड आदित्य जी एंड मिलियंस लाइक अस. इन द फर्स्ट प्लेस देयर इज द क्वांटिफिकेशन विच क्लेरिफाइज इश्यूज दैट क्वालिटेटिव एनालिसिस लीव्स फजी. अब आगे ध्यान से सुन. इट हेल्प्स टू सेपरेट स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स. फैक्ट्स स्टाइलाइज्ड हैं, ऐसी बात भी. और ये सेल्फ एडमिशन इन ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड बाय ओएसीडी फ्रॉम द स्टाइलाइज्ड फैंटेसीज. स्टाइलिश फैंटेसी भी है इन द रेम, इन द रेलम ऑफ इकोनॉमिक डाटा, टेबल मेकिंग, क्वांटिफिकेशन, जीडीपी, जीएनपी, राम जाने क्या क्या, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ बैकवर्डनेस, विच आर समटाइम्स परसीव टू बी रियलिटी. इनके जो स्टाइलाइज्ड फैक्ट और फैंटेसी है, समटाइम परसीव टू बी रियलिटी, ये इनका धंधा है. फैंटेसी presented in such a way that stupid asses take it as reality. और यहाँ asses हम general reader को नहीं कह रहे हैं, bureaucrat को. तेरा तो धंधा है ना आंकड़ा देखना, planning commission तेरा तो धंधा है ना आंकड़ा देखना, universities तेरा तो धंधा है ना आंकड़ा देखना. मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया, स्टैटिस्टिक्स मेरा पेपर था, डिस्टिंक्शन आया. अब तो बुढ़ापा आ गया, नहीं तो आंकड़े मेरे यहाँ पे रहते. कोई भी टेबल टाबुल दे दो, 5 मिनट में छान छून के स्टाइलाइज्ड फैक्ट फैंटेसी ट्रीटेड एज रियलिटी. इट इज मोर रेडली कंटेस्टेबल वॉट एवर एंगस मेडिसन हैज डन. Whatever GDP, GNP, planning, economic model, self-admission, it is more readily contestable and likely to be contested, I'm adding, and refuted and discarded and thrown in dust. We should do this. Ab thoda sa. Ab ha, Simon Kuznets ka wo quotation hai us kitab mein. जो मैंने कहा ना कि साइमन कुजनेट्स ने कहा है कि 56-60s के बाद ये सब धंधा शुरू हुआ. ये कहता है एंगस मेडिसन कि मैं साइमन कुजनेट्स से डिफर करता हूँ. पेज 47 से मैं पढ़ रही हूँ, अभी 47 पे. आई ऑल्सो डिफर फ्रॉम कुजनेट्स ऑन द टाइमिंग ऑफ द ट्रांजिशन टू व्हाट ही कॉल्ड मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ विच आई कॉल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट. The evidence now available suggests that a transition took place around 1820 rather than in 1760. The revision work of crafts, वगैरह वगैरह बीच का छोड़ रहे हैं, work in the past 20 years on the quantitative history of other West European countries provides further reason for post-dating transition and modifying the old emphasis on British exceptionalism. यानी पहले तुम कहते थे 1760 के आसपास कुछ हुआ, मैं कह रहा हूं, मैं मतलब एंगस मेडिसन, 1820 के आसपास हुआ, बाकी कह रहे 1820 के बाद भी हुआ. अरे 1870 में तो जर्मनी आया यार, उसके पहले कहां कुछ बाकी के लिए हो गया. तो समय, एक पैराग्राफ और पढ़ के मैं इसको रोक दूंगी. पेज 49.
अब दो तीन इनके महारथी लोग हैं, एंगस मेडिसन से बड़े बड़े नाम है, उन्हीं का नाम आएगा इन मेडिसन 1983, वो कह रहा 83 की मैं अपनी किताब में, आई कंट्रास्टेड द लैंडेस व्यू, ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, विद बैरक भी इकोनॉमिस्ट है, 1981 में इसकी किताब, असेसमेंट ऑफ रिलेटिव इनकम पर हेड, बीच का छोड़ रही हूँ डिटेल, हिज फिगर्स फॉर दीज एरियाज वर एसेंशियली गेस्टिमेट्स। पॉल बैरक बड़ा नामी है इनका, एंगस कह रहा है पॉल बैरक का जो आंकड़ा है वो गेस्टिमेट है। बैरक्स कंसिस्टेंटली टुक द पोजिशन दैट द थर्ड वर्ल्ड हैड बीन इम्पावरिस्ड बाई द रिच कंट्रीज एंड ही वॉज इन फैक्ट फैब्रिकेटिंग एमुनिशन फॉर दिस हाइपोथीसिस। अब एंगस मेडिसन महोदय कह रहे हैं कि पॉल बैरक महोदय फैब्रिकेट कर रहे हैं एमुनिशन थ्रू डाटा। तू क्या कर रहा है भैया, तू क्यों, तुम सब क्या कर रहे हो और क्या करते रहोगे? तुमको जो करना है उसके लिए डाटा रूपी एमुनिशन तुम फैब्रिकेट करो। तुम कहोगे हमको कि हम थर्ड वर्ल्ड हैं, फिर कहा हम ग्रोइंग हैं, अब कहा दसवां थे, फिर कहा छठवां है, अब कह रहे हो पांचवां है, हमारे मोदी जी कह रहे हैं हम पहले तीन में जा रहे हैं, आज आंकड़ा करवा लो हम पहले में हैं कि नहीं। आपके यहाँ याद है मुझे पहले, सबसे पहले जब मैं आपके चैनल पर आई तो 4 भाषण मैंने अरबी इस्लाम पर दिया था और 12 भाषण मैंने दिए थे 1928 और 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स पर। उसमें 3 भाषण मेरे हैं यूरोप और भारत, इंग्लैंड और भारत का कंपैरिजन 19th और 20th सेंचुरी, और 1970 के आसपास का समय जो हमारा सबसे खराब समय है, और 1970 के आसपास का यूरोप का समय पोस्ट मार्शल प्लान सबसे अच्छा समय, इन दोनों की तुलना करके मैंने दिखाया था कौन धनी है कौन गरीब है। मुझे सुनने वालों से मैं कहूंगी आप पीछे के उन भाषणों पर जाएं। तो अब मैं इसको एक बार बंद कर रही हूं, इसका जो पूरा जो रिटन पार्ट है करीब पेज 123 125 125 पेज तक है, ये शुरू होता है 21 पेज से, यानी 100 पेज रिटन है बाकी आंकड़ा है। ये 100 पेज में ही इनका इतना जबरदस्त सेल्फ एडमिशन है जो इस पूरी चीज की हवा उड़ा देता है, और सबसे अधिक हवा उड़ाता है पॉल ये एंगस मेडिसन के इस एक्सरसाइज। अगर तुम्हारे पास डाटा नहीं है, जो कि नहीं है, सेल्फ एडमिशन है, और 1920th सेंचुरी का तुम्हारे पास इंग्लैंड अमेरिका के अलावा भी नहीं है, यूरोप का भी 19th का नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 20th का नहीं है, तो फिर जो है वो क्या है, कुछ वेरिएबल्स हैं जो खुले में पड़े हैं, उन वेरिएबल्स के आधार पर तुम एनालिसिस क्यों नहीं करते? अरे उस एनालिसिस करने में हम भिकमंगे नजर आएंगे, हम मतलब यूरोपियंस, हम धनी नजर आएंगे, हम जो लूटपाट करना चाहते हैं उसका आधार नहीं बनेगा। तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, उनको लूट छल कपट करना है उनको करना चाहिए या करें, हम झक मार रहे हैं, हम भारतीय, हम अफ्रीकी, हम लैटिन अमेरिकी, हम अन्य एशियाई देश, गणित तो हमारी बपौती है ना, हमारे बाप दादों की चीज, हम तो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करते हैं, शुक्र कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, राहु कहाँ है, चंद्र कहाँ, और सब घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, सबकी गतियां घूम रहे हैं। ये यहाँ गया तो
महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा मेरी माँ बहुत ज्योतिष वाली थी, रुचि रखने वाली, उन्हीं का मेरे में आया है। मेरे बाबू जी भी थे, बहुत ज्योतिषी घर पे आते थे। इसका मेरे जीवन में क्या असर पड़ेगा, इस तारीख से इस तारीख में क्या परिवर्तन आएंगे, हम तो वो गणित करने वाले हैं ना। तो हमारा काम तो हमको करना होगा, हम दूसरों को केवल दोषी सिद्ध करना चाहिए, उनकी दुष्टता को बताना चाहिए, लेकिन अपना काम तो हमको नहीं अपेक्षा रखना चाहिए कि हमको नष्ट करने की इच्छा रखने वाला शत्रु करे, ये तो परम प्रचंड मूर्खता है। अपना काम तो हमको करना होगा, तो सलूशन यानी हम अपना काम खुद करें। तो आप कहेंगे तो मैं एक आध टॉक इस पर कर दूंगी, सलूशन क्या है। बिल्कुल, एक्चुअली आपके स्टॉक सीरीज से मेरे को इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम चीजें पता थी, लेकिन नाउ आई एम लर्निंग द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले तो क्योंकि वो जरूरी है, अगर आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स पता होगा तभी आप समझेंगे कि फ्यूचर सॉल्यूशन क्या हो सकता है या क्या नहीं हो। जैसे अंकित शाह जी सनातन इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं, और तो विच इज ए तो सॉल्यूशन में जो जितना भी वेस्टर्न माइंडेड और वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं उनको अकाउंटिंग तो सिखाई जाती है कि कितना आया कितना चला गया, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि धार्मिक धन लक्ष्मी क्या होती है, आसुरिक धन जो जो लोगों को मुश्किल में डालती है वो क्या होता है, और धन उपार्जन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है वो भी लोगों को पता नहीं है। जैसे कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, ट्रेड में किस तरह के ट्रेड वैल्यूज, ट्रेड का जो बेसिक्स, हम लोग को मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट PNL लेजर्स हम लोग मेंटेन करते हैं, जनरल लेजर PNL, एज ए CEO सबको ध्यान रखना पड़ता है PNL कैसे मेंटेन होगा, तो वो सब हम लोग को मालूम है। ये सब बहुत नया फेनोमेना है, ये 100 साल का भी मामला नहीं है। 100 साल का मामला होता तो 19th सेंचुरी के तो आंकड़े होते, 20वीं शताब्दी के तो होते, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सिखाया जाता है ये माइक्रो यूनिट के लिए है। माइक्रो यूनिट में भी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, इंडस्ट्री की यूनिट फैक्ट्री के लिए। या अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी का माइक्रो यूनिट आया, इसका फर्दर माइक्रो एक कमोडिटी, फर्दर माइक्रो वन एरिया, फर्दर माइक्रो व्हाट माय फर्म इज डीलिंग। तो जो सिखाया जाता है वो माइक्रो 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 कैलकुलेशन है, और इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक मॉडल मेकिंग वो मैक्रो है, बड़े आंकड़े देखने होंगे। आपके पास अभी कल तक तो रोमन था, जीरो नहीं था, मिलियन बिलियन ट्रिलियन बंद हो जाते हैं आप, थाउजेंड हंड्रेड में आप बात करते हैं, सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हम बैठ के जीरो जोड़ जोड़ के हिसाब करते हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मामला खत्म। और हमारे पास नंबर गेम के लिए कैसा है, और हम गणित कितनी जगह करते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया एस्ट्रोनॉमी, अब एक उदाहरण दे रही हूँ काल की गणना, एक उदाहरण दे रही हूँ वो जो एस्ट्रोनॉमी में स्पेस की गणना। स्पेस और काल ग्रह हुए, सब ग्रह गोल गोल घूम रहे हैं, और जहां बैठ के धरती पर आप गणना कर रहे हैं वो धरती हिल डुल रही है, ऐसे ऐसे हिलते डुलते चल रही है, सीधे सीधे भी नहीं चल रही है, अपने एक्सिस पर हिल डुल रही है, हिलने डुलने की गति भी ये नहीं है कि कांस्टेंट है, और चल रही है, चल भी सीधे गोला गोला नहीं है, अंडाकार चल रही है, और भी सीधे सीधे नहीं चल रही है, झुक के चल रही है। और बैठा हुआ इस पर आदमी ये सारी गणना कर, ये तुमको अभी 20वीं 21वीं शताब्दी में आया है, ना ना आया अभी भी नहीं है, तुम्हारे नासा फासा हर जगह भारतीय है,
मेरी निजी बातचीत हुई है फ्रिडजाफ कापरा से और रूपर्ट शेल्ड्रेक से, और दो और हैं इंग्लैंड जब मैं गई थी। तो मैंने ऐसे मजाक में कहा, ये तो तुमको सूझा होगा किसी भारतीय से। दोनों ने कहा, कापरा ने तो अपनी पुस्तकों में लिखा है, रूपर्ट शेल्ड्रेक ने बताया बैंगलोर के किस आश्रम में गया तब मैं ये समझ में आया। इतने बड़े आकार और स्पेस को देखना, भारतीय सनातनी, इतने नन्हे से नन्हे से नन्हे को देखना, भारतीय सनातनी, जिसको फ्रिडजाफ कापरा ने डांस ऑफ शिवा कहा है। मैं आपसे कहूंगी, आप मुझसे अगर उचित समझे, अलबरूनी की एक किताब है अल हिंद, उस पर मुझसे एक दो टॉक करा लीजिए। 11th सेंचुरी में अलबरूनी भारत में क्या क्या पढ़ने आता है, भारतीय है लेकिन वो अल हिंद कहता है, तो हम आज की भाषा में कह, वो क्या क्या रिकॉर्ड रखता है, पुराण, विष्णु पुराण, धर्मोत्तर पुराण, राम जाने क्या क्या, जो आप बोलते रहते हैं अपने चैनल्स, अपने एपिसोड्स, वहां से यूरोप गया है। तो 21वीं शताब्दी में भी यूरो अमेरिकन माइंड, यानी चर्चियानिटी का माइंड, चर्चियानिटी से लड़ता हुआ, उससे रिवोल्ट करता हुआ, उसके बाहर जाता हुआ या उसके भीतर घूमता हुआ माइंड, कांट ग्रैपल विद दीज थिंग्स, कांट ग्रैपल विद दीज थिंग्स कमिंग 100 ईयर्स। अरे एक उदाहरण मैं देख रही हूं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इसका ही आंकड़ा इंडिविजुअल इन नन्हे नन्हे देशों के पास पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा होता 1950 के बाद, तो 1990 से 1920 में जो इमिग्रेशन इनके यहाँ हुआ है मियां लोगों का, सोसाइटी चरमरा रही है, वो क्यों होता, क्यों होता? तुम बर्थ रेट को डेथ रेट और बाकी सबसे मैनिपुलेट करके कैलकुलेट कर लेते कि इतना नंबर वर्किंग पॉपुलेशन हमको चाहिए। तुम फैमिली यूनिट को ना तोड़ते, तुम डोमेस्टिक सेविंग रेट को मेंटेन करके रखते, तुम्हारा बबल क्यों होता? अमेरिका में जो रियल स्टेट सेक्टर डूब गया, तुमने अकेले छोकरे छोकरियों को वहां बैचलर मैरिड, तो आज बैचलर है कल मैरिड है फिर परसों बैचलर है नर्सों मैरिड है, डाइवोर्सी है नई डाइवोर्सी है, लिव इन है नई लिव इन है, मैन टू मैन है मैन टू, अभी मैन टू एनिमल शादी का सिस्टम आया कि नहीं आपके यहाँ? आ जाएगा, आ जाएगा, वो बकरी से शादी करेगा, वो कुत्ते से शादी करेगी। एक्चुअली औरतों ने कुत्ते के साथ भोगना शुरू कर दिया है, मतलब वो भोगना शुरू कर दिया ना, दैट इज अ राइट, बर्थ राइट है। अगर कोई बच्चा फिर कुत्ते और स्त्री के समागम से क्या जीव पैदा होगा वो देखेंगे। खैर, तो जब ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना मोटा कैलकुलेशन नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? गणित इनका विषय नहीं, गणित हमारा विषय। मैं कितने बजकर कितने मिनट पर जन्मी, कितने सेकंड में, मेरी पत्रिका मेरा जन्म 54 का, माने एकदम ही बाद का, पुराने जमाने का नहीं, सब लिख के रखा, और मेरा नहीं रखा है, रामचंद्र जी का 13 लाख 16 लाख 18 लाख साल पहले, और वो तो घंटा मिनट में नहीं, वो तो भारतीय पल वल क्या है, त्रुटि लवा उस पर कैलकुलेशन होता है, त्रुटि लवा उस पर लिख के रखा है, और केवल राजा रामचंद्र जी का नहीं रखा है, हर प्राणी जब जन्मता है 100 साल पहले तक के हर प्राणी के जन्म का क्षण और उसके मृत्यु का समय लिख के मोटा मोटा पोथा आज भी रखा। 1000 साल में कितने जन्मे कितने मरे, आरएसएस ने एक सिंपोजियम किया था वंश लेखक,
तो हजारों साल में कितने जन्मे मरे ये लिख के रख रखे हैं हमारे सब सभी तीर्थ स्थानों पर, कौन कब विजिट किया, विजिट करके कौन कौन मंदिर दान गया, कौन कौन सा यज्ञ हवन किया, कौन कौन सा तीर्थ किया, कौन कौन सा कर्म कांड किया, कितना कितना दान किया, लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो? लिखाण समाज है, आरएसएस इसको कहता है। हम लोग श्रुति परंपरा, वेद को श्रुति कहते हैं ना, श्रुति माने सुन, स्मृति माने याद। अब ऐसे आपकी भी भेंट ऐसे लोगों से होती रहती होगी। अभी 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 हमारे पंडित जी गए हैं तो वो यही। हम लोग देश और काल की गणना नहीं, हम भी लगातार मूव कर रहे हैं। ये 7-8, 7-8, 15 मूव कर रहे हैं और हर मूवमेंट का एग्जैक्ट। आपने तो मेरी, आपने तो वो मेरी पुस्तक देखी है, द ओरिजिनल एटलस, कितना एक्यूरेट है उसके अंदर। मैं उस जीपीएस कोऑर्डिनेट से उस जगह पहुंच सकता हूं जहां पे वो एग्जैक्टली जगह है, वो पुराणों से लिए मैंने। आपने पुराणों से ली, मैं तो उतना समझती नहीं संस्कृत, अलबरूनी की अंग्रेजी है वो, मैं सुनाऊंगी। मैंने उससे समझा, वो बता रहा है कि धरती पर कोई चार जगह है जिसका ये वही अक्षांश, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, पैरा, इन्हीं को कैलकुलेट करना आता है, जहां से ये गणना होती है, और सब भारतीय शास्त्रों का नाम दे रहा है नीचे, ये इसका ये श्लोक, इसका वो श्लोक। तो वी हैव बीन, क्यों हम ये कर पाते हैं? क्योंकि वी आर ए लेजर सोसाइटी। हमारे यहाँ खाना पीना, मकान, घर द्वार, गाड़ी मोटर, तीर्थ यात्रा, अटरम पटरम सब भरा हुआ है, और इसके बाद फुर्सत। तो फुर्सत है तो गणित हमारा पास टाइम है, हमारे डांस में गणित है, हमारे म्यूजिक में गणित है, हमारे आर्किटेक्चर में गणित है, हमारे शिल्प में गणित, गणित हमारे खून में। हम जब कविता लिखते हैं तो तुलसीदास जी लिख देते हैं कितने प्रकार के पवन है, कितनी नाड़ी है, कितना क्या क्या है। तो 1 घंटा 2 मिनट नमस्कार, मैं आपका समय नहीं दूंगी। सूर्य, सूर्य की किरणों के होती है, कौन सी किरण, सुबह 7 किरणें कितनी होती हैं, दोपहर की कितनी किरणें होती हैं, और इसीलिए संध्या का महत्व है कि उस किरण को पकड़ के आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, किरण को पकड़ के, ये टेक्नोलॉजी है। तो जब मैं वो लिख रहा था ओरिजिनल एटलस, अभी उसका दूसरा पार्ट पे काम कर रहा हूँ, मैजिकल एटलस पे, और जो मैजिकल एटलस में शिवलिंग की कैलकुलेशन है, किस तरह लिंग जो भगवान शिव जी का चिन्ह है, उस चिन्ह के की शक्तियों से किस तरह हम जुड़ सकते हैं, और कितने जो स्ट्रक्चर्स हैं दुनिया में, क्योंकि दुनिया में मेजोरिटी पिरामिड बोलते हैं, मैं उसको प्रूव करूंगा कि वो सारे शिवलिंग हैं, सारे के सारे, लेकिन किसी और समय के हैं, जो जिन लोगों ने बनाया है वो शिव जी की आराधना के लिए बनाया है। वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, क्योंकि आजकल लोग बड़ा मिस्ट्री में घुस जाते हैं, और वेस्टर्न जो साइंसेज हैं, पैलिंटोलॉजी, आर्कियोलॉजी, उसमें कोई साइंस है ही नहीं, ये सब ये पैसा, गवर्नमेंट से पैसा, टैक्स पेयर मनी को ऐंठने की साजिश है, और फालतू में हम लोग भारतीय डिपार्टमेंट बन के उसको उस तरह का काम करते हैं। एंड तो ये जी के द्वारा इतना बड़ा काम कर रहे हैं आदित्य जी, शायद आपको भी अनुमान नहीं है। अगर स्मृति रही 2-3 जन्म बाद आएंगे और याद रहा कि सत्तोलॉजी मैंने ही चलाया था, then you will know what you are doing। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों का भी। मैं पूरी तरह I was spell bound कि मेरी सारी इकोनॉमिक थ्योरीज, मैं तो कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड एंड शॉक्ड, इसीलिए आप लोग मुझे देख रहे होंगे, बड़ा शांति से मैं एक एक शब्द को सुन रहा था, और कितना रिटेंशन हुआ है वो नहीं हुआ है, तो मैं इस वीडियो को मैं खुद उसको 2-3 बार देखूंगा इस वीडियो को, क्योंकि पिछले वीडियो में प्रिपरेशन, बट यहाँ पे आके क्रीम मिल रही है इस वीडियो में आके, और अगला वीडियो में सोल्यूशन का तो मैं बहुत देर से इंतजार करूंगा, लेकिन अब सोल्यूशन से पहले अलबरूनी आ गया है बीच में, तो पहले सॉल्यूशन से पहले अलबरूनी आएगा, फिर सॉल्यूशंस पे हम घुसेंगे। और
अब मुझे आपने अलबरूनी का रेफरेंस दिया है तो मैं अलबरूनी को जरूर मैं ढंग से पढ़ूंगा और उसमें ये निकालूंगा कितना चोरी किया गया या कितना उसने संदर्भ देता है अपना पूरा संदर्भ देता है। अच्छा, honestly, बता दूं, दो महीने में हिमालय में अब घूमूंगी तो प्रयास करूंगी हिमालय से आपके लिए वार्ता करूं। अरे वाह, देवभूमि आज मैं जा रही हूं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, नरसिंहदेव आपको प्रोटेक्ट करें जहां भी आप जाएं, एंड दर्शकों को भी प्लीज आप हम लोग से जुड़े रहिए और लोगों को शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि किसी भी चैनल पे इस तरह की बातें हम लोग देखते नहीं है, कहीं होती नहीं है। और मैं जब चैनल की लिस्ट देखता हूँ अपने इधर जो लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, दे आर ऑल एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन एंटरटेनमेंट से आपको भला नहीं होने वाला जब तक आप पुराणों महाभारत रामायण का मनन चिंतन ना करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो मन में होता है कि जिससे भी आपका मन प्रसन्न हो जाए और उसके बाद आप फिर ऊर्जा से भर जाए, वो तो सिर्फ स्मृति और श्रुति है। सारे पुराण स्मृति है और सारे वेद श्रुति है और महाभारत रामायण भी स्मृति में ही आता है। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।